हाँ जी, आज वेक्टर का पांचवा पार्ट डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं। रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर की बात करेंगे, टू के साथ साथ थ्री को भी कवर कर देंगे। आज जानेंगे कि हम दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, साथ ही साथ तीन वेक्टरों को एडिशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। लास्ट चार वीडियोस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी काम बनना स्टार्ट होगा, तभी फील आना प्रारंभ होगा कि वेक्टर एक्चुअली चल कैसे रहा है। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, काम बनता रहेगा, और वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें और शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्या बात करेंगे पहले? रेजोल्यूशंस ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे। समझिए जी, जब वेक्टर को स्प्लिट करते हैं दो चीजों में, मतलब राइट एंगल टू राइट एंगल की फॉर्म में वेक्टर को, जैसे हमने बात करी इसकी, बहुत तरीके से समझना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जी। मान लो ये एक्स की बात कर रहा है, मान लो ये वाई की बात करना स्टार्ट कर सही चर्चा। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मान लो ए की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ए वेक्टर को बोल देते हैं, छोटा थोड़ी दिख रहा है। चलो ये फॉर्म मान लिया हमने, ए एक्स की बात कर रहा है और ये ए वाई की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अब समझना ये सारी चीज अभी इम्पोर्टेंट है, यही काम आना स्टार्ट होगा। इस पे आपने परपेंडिकुलर डाला मान लो कुछ इस प्रकार से, और इस पे इस प्रकार से, सही चर्चा। इसको मैंने बनाया थीटा, इसको बनाओ अल्फा। सुनो एक चर्चा, पहले इस चर्चा से निपटते हैं फिर काम करना स्टार्ट करते हैं, समझिए इस चीज को। मान लो ये एफ है और ये क्या है, थीटा है। आपको ये फॉर्म चाहिए, मान लो ये एफ एक्स है और ये एफ वाई की फॉर्म है। इसका ट्रिक बता देंगे, ट्रिक मतलब पक्का वही होगा जिसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आपका एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा एफ कॉस थीटा, और एफ वाई का वैल्यू जो आएगा वो आएगा एफ साइन थीटा। चलो प्रूव करते हैं। इस पे परपेंडिकुलर डाला जी आपने, सही चर्चा है। अगर मैं कॉस थीटा, थीटा यहाँ कोस थीटा की बात करूंगा, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की बात करता है। हाइपोटेन्यूस कितना है, एफ है। तो एफ कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ एक्स के बराबर हो गई, चेक कर सकते हैं। अच्छा सेम अगर मैं साइन थीटा की बात करना चाहूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, एफ वाई, हाइपोटेन्यूस कितना है, एफ है, मतलब ये इसके बराबर तो है। तो एफ साइन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, एफ वाई, चेक कर सकते हैं। ध्यान रखना जी, एक चर्चा वाला विषय है कि थीटा जिसके साथ होगा ना वो कॉस थीटा होगा। ऐसा नहीं है कि थीटा अगर इधर है तो इधर कॉस थीटा आएगा, अगर थीटा यहां होता तो यहां एफ कॉस थीटा होता। सुन लो जी वापस, यहां थीटा होता, इधर थीटा होता तो एफ कॉस थीटा। आप इसको 90 माइनस थीटा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा की फॉर्म बना सकते हो, समझ मानते हो, पक्की बात है। चलो जी इसको हटा दें, यहां थीटा होगा तो बेटा ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा, थीटा के साथ वाला कोस थीटा और उसके ऊपर वाला साइन थीटा, मतलब हॉरिजेंटल की बात करें। अब हॉरिजेंटल वर्टिकल रहेगा ना बेटा, अगर यहाँ थीटा होगा तो वर्टिकल की बात यहाँ आ जाएगी। अरे यार सर किसी बात करते, अरे बढ़िया बात करते हैं, काय दिक्कत करते हैं। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें इसमें अल्फा कहे लिए, क्योंकि ठीक है हाँ चल जाएगा। इसको मैंने बोला ओ, इसको बोला पी, इसको बोला क्यू, इसको बोला मैंने आर। सुनना जी चर्चा को, थोड़ा ढंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पहले नहीं कर रहे थे। तो हमने क्या बात की, ओपी वेक्टर बराबर में अगर मैं बोलना चाहूं बेटा, तो मैं बोल सकता हूं क्या, ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म में बताएंगे आपको, ए वेक्टर बराबर में आएगा राजा ए एक्स ए वाई वेक्टर की बात करना प्रारंभ करेगा। इससे 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। ट्राइंगल लॉ के अंदर आपको बता के आ चुके हैं, आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पैरेललोग्राम के बीच में बता चुके हैं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, पक्की बात है, पक्की बात है। चलो ठीक बात है। अब सर आई जे के वाला क्या फंडा है आप बताओ। देखो बेटा, आई कैप जे कैप के कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। हाँ बिल्कुल सही बात है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, वो मेनली हमेशा मेनली क्या, पक्का ही डायरेक्शन को बताता है। एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप, फिक्स्ड है। एक्स में आई, वाई में जे, जेड में के। चलो ठीक है, अगर मैं ए एक्स के साथ, अभी सुनो, ए एक्स के साथ मैं आई कैप की बात करूंगा तो तुम परेशान होगे क्या, खाए होगे। और ए वाई के साथ जे में जे कैप की बात करूंगा तो परेशान होगे क्या, नहीं हो। तो अगर मैं इस फॉर्म को, ए वेक्टर को फॉर्म को, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप की बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही खुश होगे, बात खुश होने वाली तो है भाई, सही चर्चा है ना, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बताया है आपको। अच्छा यहां तक तो समझ आता है सर, कोई दिक्कत नहीं करेंगे।
अच्छा आपसे अब मैं इधर पूछूं, अल्फा की बात करना चाहता, इसमें अल्फा एंगल है और यहां पर मैं बोलूं ए क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, तो एक्स की फॉर्म क्या आएगी? तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके तो नहीं बोल सकते, तो आप बोलोगे ए कॉस अल्फा। मेरे बातों से वाकिफ हो या नाराज हो, वापिस बोल रहा हूं, अल्फा के साथ वाला कॉस अल्फा की बात कर रहे हो, अल्फा के साथ वाला कॉस अल्फा की बात कर रहे हो, और इसके साथ ए वाई की जो बात करना चाहोगे तो क्या करोगे, ए साइन अल्फा। बड़े ही धीमे हाथों से लिखा जा रहा है पर समझ आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम वही हो जो बुलाने पर भी नहीं आते थे, आज खुद ब चल के आए हो, कुछ काम है क्या? सही बात है क्या? चलो ठीक है। अब इस फॉर्म को आई और जे कैप की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? अगर ए एक्स को मैं लिखूं तो लिखूंगा ए कॉस अल्फा आई कैप खचक, ए वाई को लिखूंगा ए कॉस साइन अल्फा जे कैप। लियो साहब आपके सामने है। और एक फॉर्म में लिखना चाहूंगा वो क्या होगा जी, डिब्बा लगाओ सोन पापड़ी का, ए वेक्टर बराबर में आएगा ए कॉस अल्फा आई कैप ए साइन अल्फा जे कैप। वाकिफ तरीके से वाकिफ हो या नहीं हो, आपके सामने दोनों फॉर्म रख दिए हैं हमने। सही चर्चा है, सही चर्चा है। चलो ठीक है, इसको मैं हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इस फॉर्म में भी याद रखो, पक्की बात है। ये आपके दो वेक्टरों का एडिशन हो गया। व्हेन ए वेक्टर स्प्लिट इनटू टू वेक्टर इनटू राइट एंगल्स टू ईच अदर, दिस कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर, बस रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर, सॉरी सॉरी। सही है, पक्की बात है। चलो ठीक है, दो वेक्टरों की चर्चा करनी स्टार्ट कर दी हमने, हटा सकते हैं इसको, न्यूमेरिकल भी लेंगे लास्ट में, काई दिक्कत कर रहे हो। आओ तीन वेक्टर्स की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में जीभ बाहर आ जाएगी। हाँ सही बोल रहा हूँ भाई, एक्स ए वाई ए जेड, इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे ना। अरे ढंग से मतलब तुम समझो, तुम ऐसे फील ले लेते हो मतलब कि सर पहले वाला बेकार समझाएगा। अरे नहीं रे, काय दिक्कत कर रहा, इसको इसका जो वेक्टर है इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से मिलाया, ठीक इसको काय मिला रहे, छोड़ो अब लीजिए जी आपके सामने, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, हमें जो काम चाहिए, ये जट दिख गया तुम्हें, ए एक्स ए वाई बात कर रहा है, ए जट की। अब मैं इसका नाम लिखना स्टार्ट करता हूँ, ओ ए बी सी और डी। सुनना जी बहुत तरीके की, पहला जो हम ट्राइंगल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं ये वाला, सही चर्चा है। ओ ए सी में ट्राइंगल ओ सी, ओ ए सी इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जी, आपके जो ट्राइंगल होंगे वो ही चर्चा में आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ओ ए बराबर में, ओ ए बराबर में क्या चाहिएगा, ओ सी प्लस ए सी की बात करना प्रारंभ करें, सही चर्चा है। अब मैं जो पैरेललोग्राम की बात करना चाहूंगा वो ये है,
पाँच ओ बी सी डी, ओ बी सी डी इन सही चर्चा है। तो अगर मैं ओ सी की बात करना चाहूंगा तो क्या आएगा, ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर, सही चर्चा है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा बी सी, ये ए जेड सॉरी ओ डी के बराबर हो जाएगा, जो कि है ए जेड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। परंतु हमें ओ सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारा काम बनना स्टार्ट हो सकता है। मतलब फर्स्ट बनाओ सेकंड बनाओ, इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आएगा राजा ओ ए वेक्टर बराबर में आएगा जी ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर का पाँच। अच्छा अब चेक करते हैं ओ बी की वैल्यू क्या है राजा, ए एक्स, ओ ए वेक्टर बराबर में आएगा ए एक्स की बात कर रहे हो, ओ डी की बात करते हैं ओ डी कितना है ए जेड की बात कर रहा है, ए सी की बात करते हैं ए सी कहाँ गया भाई, ए सी की बात करना स्टार्ट करते हैं तो ए सी जो है ये वाला वेक्टर क्या है ए वाई को बता, अरे भाई ये क्या दिक्कत कर रहा है, ये वाई की डायरेक्शन बता रहा है, ए वाई की बात को बताना स्टार्ट कर रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे एक और नाम लिख दो ओ पी लिख दो, पी तो ले चुके हैं ना, पी तो नहीं लिया तो ओपी लिख दो, तो एसी को ओपी के बराबर कर दो तो भी दिक्कत नहीं, एसी को ओपी के बराबर कर दो काय दिक्कत है, तो ये वेक्टर क्या है एसी सॉरी ओपी के बराबर आ जाएगा, तो ए वाई के बराबर आ जाएगा। ओए की वैल्यू क्या है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर बराबर में आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसका मैग्नीट्यूड भी जानना है हमें, सब पता करना है, एक्स वाई के फॉर्म में आई जे के फॉर्म में बताएंगे, इंतजार कीजिए हटा दें। चलो डायग्राम को दिखा देते हैं एक बार, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल पहले लिया हमने ओ ए सी, ओ ए सी सही है, इसमें इसका रिजल्टेंट जो है ओ ए बराबर में क्या आएगा ओ सी प्लस ए सी की बात करना प्रारंभ करेगा, सही चर्चा है। चलो ठीक है, फिर हमने पैरेललोग्राम की बात की ओ बी सी डी की बात करना स्टार्ट करी, सही चर्चा है। चलो इसकी वैल्यू है ओ सी बराबर में ओ बी प्लस ओ डी, ओ सी बराबर में ओ बी प्लस ओ डी की बात करना स्टार्ट की, चाहे ये भी ले सकते थे पर हमारे को क्या ओ सी की वैल्यू मांगता था तो हमने ओ सी की वैल्यू मांगी इससे, तो वैल्यू पुटिंग कर पुट करने के बाद ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड सॉरी प्लस ए वी, तो ये ए सी जो है ये ओपी को बता सकता है ना, क्या दिक्कत है, ये इस तरह वेक्टर की तो बात कर रहा है, चलो ठीक है हटा दें। अच्छा अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करना स्टार्ट करें तो कैसे करें, आइए आ जाओ, तो अगर बात करूं ए की बात करना चाहूं तो ये आएगा ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर और ए जेड स्क्वेयर बराबर में क्या आएगा ए का स्क्वेयर, या ए बराबर में आएगा रूट में ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की तो बताओ, कोस की बात करो मुंह तो पूरा खोल लिया, कोस की अल्फा की बात करो कोस बीटा की बात करो कोस गामा की बात करो, करेंगे इंतजार तो कीजिए हटा दें। आइए जाइए ए वेक्टर की बात करेंगे, ये क्या है हमारा अल्फा है, ये क्या है बीटा है, और ये क्या है हमारा गामा की बात करेंगे, मतलब ए एक्स ए वाई और ए जेड की बात करना स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी इससे हमें, कोस और कोस की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में दोनों बता दूंगा आपको। आइए जी एक बताए थे सारा काम हो जाएगा आपको समझ भी आ जाएगा, कोस अल्फा की बात करना स्टार्ट करते हैं, समझिए इस चीज को, कोस अल्फा की बात करेंगे, इसको कैपिटल भी ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किताबों में कैपिटल दिया होता है, कोस अल्फा की बात करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करता है, मतलब ए एक्स अपॉन ए की बात करेगा, मतलब ए कॉस अल्फा बराबर में क्या आएगा ए एक्स आएगा, अगर बीटा की बात करते हैं सीधा बता दूं ए वाई बराबर में ए वाई सॉरी ए वाई बराबर में आएगा ए कॉस बीटा और ए जेड बराबर में आएगा ए कॉस गामा, तीनों चेक कर सकते हो जी आप, एक दो
तीन, परपेंडिकुलर डाल के काम करना स्टार्ट करता है, सेम ही वैल्यू आएगी। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की बात करते हैं, चलो यहां तक तो समझ आता है, अल्फा बीटा गामा का आपने बता दिया हमें। इससे सर हमें मिलेगा क्या, समझो इस चीज को, इसको हटाऊं, इसको हटाता हूं। देखो क्या होता है, अगर मैंने बोला ए स्क्वेयर बराबर में ए एक्स स्क्वेयर, ए वाई स्क्वेयर और ए जेड स्क्वेयर, सही है, तो यहां पर वैल्यू निकालो, वैल्यू रखो इसकी। ए स्क्वेयर बराबर में क्या आएगा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर बीटा और ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर गामा की बात करेगा, ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा की बात करना स्टार्ट करेगा। हापाच, तो वैल्यू कितनी आएगी, वन बराबर में कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा। भाई थोड़ा सा ना क्रांतिकारी मत बन जाना, जीरो मत लिख देना इसको, ये डिवाइड होके वन आ जाएगा, मतलब ऐसा समझो। इसको साइन की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं मैं, कैसे लिखूंगा, वन बराबर में वन माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा, वन माइनस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वेयर गामा, 1 2 3, तो ये आएगा वन बराबर में थ्री माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर, अरे रे के कर रहा है गामा। सबको इधर ले आओ, सबको इधर लाने के बाद हमारे पास आएगा साइन स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गामा बराबर में 2, साइन स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गामा बराबर में 2। ये आपका आपके नीट में, यही मैंने नीट में सीधा इस पे क्वेश्चन आ जाता है सीधा, अरे गारंटी है भाई, कोई दिक्कत कर, नीट में इस पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर में, फॉर्म बता दिया आपको, मतलब ए कॉस अल्फा ए कॉस बीटा ए कॉस गामा की बात करना प्रारंभ करते हैं, उसकी फॉर्म पूरी बता चुके हैं आपको, साइन की फॉर्म आपको बता चुके हैं, उतारना चाह रहे तो उतार सकते हो, एक बार समय है आपके पास। सही चर्चा है, चलो ठीक है। आप देखो जी एक काम करेंगे, आप आगे से थोड़ा सा इस चीज पे गौर फरमाएंगे कि जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो अलग तो करवाएंगे करवाएंगे, साथ ही साथ इसमें कवर करेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल हैं आपको लिख दिया करेंगे, या अलग से ऊपर बोर्ड मतलब जो आपको हाईलाइटेड होता है वो देखा करेंगे, ठीक है। तो कल हमारा जो लेक्चर होगा, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।